नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। दुर्की प्रखंड अंतर्गत भंडार पंचायत के कदवा उर्फ लिखनी धौरा गांव के डीलर को ग्रामीणों ने 5 क्विंटल चावल को दिन दहाड़े कालाबाजारी करते हुए दबोच लिया। इस संबंध में ग्रामीण राम प्रवेश गुप्ता ने बताया कि डीलर रामकति प्रसाद इस तरह की कालाबाजारी पहले भी कर चुका है तथा इसके द्वारा लाभुकों को आधिकारिक तरीके से मिलने वाले राशन की मात्रा में भी पूर्व में कई बार कटौती की गई है, जिसके विरुद्ध हम सभी ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों को डीलर के विरुद्ध आवेदन भी दिया था। वहीं रविवार की सुबह में उक्त डीलर द्वारा 5 क्विंटल चावल की कालाबाजारी गांव के ही एक महिला के घर कर रहा था, जिसे ग्रामीणों ने देख लिया और इसकी सूचना तत्काल 100 डायल कर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार, ASI आलोक कुमार दल बल के साथ कदवा उर्फ लिखनी धौरा गांव में पहुंचकर चावल को जब्त कर लिया है और ग्रामीणों के बयान के आधार कालाबाजारी करने का मामला दर्ज कर लिया है। इस संबंध में थाना प्रभारी ने कहा कि कालाबाजारी करने के आरोप में डीलर रामगति प्रसाद व महिला जितनी कुंवर के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है और चावल को जब्त कर थाने में रखा गया है। इसके बाद नामजद दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। चावल को अवैध रूप से बेचा जा रहा है। यह चावल जन वितरण प्रणाली की दुकान की है। उस उक्त सूचना के आधार पर सहनी आलोक कुमार के साथ थाना से प्रस्थान किए। प्रस्थान के बाद जितनी कुंवर के घर जाने के बाद से देखा हम लोग कि वहाँ पर 10 पैकेट जो है चावल रखा गया था, 50-50 केजी का, कुल 5 क्विंटल चावल था। लेकिन वहाँ से जितनी कुंवर जो थी वह गायब फरार हो चुकी थी। चावल को जब्त करके विधिवत कार्रवाई की जा रही है। इस पर दुर्की थाना कांड संख्या 161-19 दर्ज कर ली गई है। कांड अनुसंधान किया जा रहा है और फरार अपराधियों को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद।